नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भोलानाथ ओवरब्रिज निर्माण को लेकर मापी की प्रक्रिया शुरू। इंजीनियर ने कहा, सरकारी जमीन के बाद निजी जमीन का किया जाएगा अधिग्रहण। विश्व रक्तदान दिवस को लेकर डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक। रक्तदान के प्रति जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार अभियान चलाने का दिया निर्देश। नगर आयुक्त ने सफाई कर्मियों के साथ की बैठक। सफाई सर्वेक्षण को लेकर अभी से बेहतर कार्य और व्यवस्था दुरुस्त करने का दिया निर्देश। नवगछा में एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट सेंटर के बाहर से खड़ी बाइक की डिक्की से चोरों ने उड़ाए रुपए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। और अपराध की घटनाओं को अंजाम देने आए कुख्यात को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के भोलानाथ पुल के ऊपर रेल ओवरब्रिज निर्माण को लेकर सरकारी जमीन की नापी शुरू हो गई है। इस दौरान जगदीशपुर अंचल के अमीन के साथ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के इंजीनियर सतीश कुमार ने अपने सहयोगियों के साथ नापी का कार्य शुरू किया। इंजीनियर सतीश कुमार ने बताया कि नापी का कार्य करीब एक सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद पुल निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। बता दें कि नापी का कार्य भोलानाथ पुल से शीतला स्थान चौक दक्षिणी क्षेत्र में शुरू किया गया है और नापी का काम पूरा होने के बाद उत्तरी क्षेत्र की नापी कराई जाएगी। इंजीनियर ने कहा कि नापी कर पहले सरकारी जमीन को निकाला जा रहा है, जिसके बाद जरूरत के आधार पर प्राइवेट निजी जमीन का भी अधिग्रहण किया जाएगा। कि हमारा कितना जमीन जो है भोलानाथ पुल अधिक क्या कहते हैं शीतला स्थान से लेकर के आपका त्रिमूर्ति चौक तक में जो रेवेन्यू मैप के आधार पर हम लोग नापी करके मार्क कर देंगे कि हमारा कितना जमीन है। अगर प्रयास हम लोग अगर फिर अगर आगे जमीन की जरूरत होगी तो हम लोग जमीन का एक बार का हम लोग भेजेंगे प्रस्ताव। नहीं, अभी तो पहले हमारा कितना है वो नापी कर रहे हैं। अच्छा। उसके बाद हम देखेंगे हमारी कितना जरूरत है। इस पर डिजाइन ड्राइंग होगा तैयार तो कितना जरूरत है अभी ये पता अभी नहीं कर सकते। विश्व रक्तदान दिवस को लेकर जिला प्रशासन की ओर से भागलपुर सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक आयोजित हुई, जिसमें डीएम ने रक्तदान शिविर को सुचारू ढंग से संपन्न कराने और तैयारियों के लिए दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न प्रखंड के बीडीओ और अनुमंडल पदाधिकारियों को डीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस पर जिले के अस्पतालों में रक्तदान शिविर आयोजित किया जाना है, जिसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार अभियान चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्तदान जैसे महान कार्य में प्रखंड कर्मी, अनुमंडल कर्मी, जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिक को स्वेच्छा से भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में रक्त का संग्रह किया जा सके। इसके अलावा डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारियों को रक्तदान शिविर में स्वेच्छा से भाग लेने वाले विभाग के कर्मियों की सूची स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने की बात कही। बता दें कि इस रक्तदान शिविर में 300 यूनिट रक्त संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है, जिसका संचालन सिविल सर्जन की देखरेख में किया जाएगा। मौके पर उपविकास आयुक्त प्रतिभा रानी, अपर समाहर्ता राजेश झा राजा, सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा, JLNMCH के अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सिंह कुमार दास, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी DPM फैजान अशरफी सहित कई विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर की अध्यक्षता में शुक्रवार को भागलपुर नगर निगम में सफाई कर्मियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगर आयुक्त ने सफाई कर्मचारियों को शहर में बेहतर ढंग से सफाई अभियान चलाने के साथ नियमित तौर पर स्वच्छता का ख्याल रखते हुए कूड़ा कचरे को उठाकर साफ सुथरा रखने को कहा। नगर आयुक्त ने कहा कि अगले साल सफाई सर्वेक्षण को लेकर अभी से नगर निगम के सभी सफाई कर्मियों और कर्मचारियों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी, जिससे आने वाले वर्षों में व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। साथ ही नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर ने कहा कि भागलपुर में पहले से ही सफाई को लेकर कई शिकायतें लगातार आती रही है, लेकिन अब इसको दूर करने के लिए सभी को एकजुट होकर कार्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इसके अलावा भी कई दिशा निर्देश नगर आयुक्त ने निगम कर्मियों और सफाई कर्मचारियों को दिया। उसके बाद जो हॉपर टिपर से कूड़ा जा रहा है उसको आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ट्रिप में, और ये देखना पड़ेगा कि हमारा कूड़ा जो है वो कॉम्पैक्ट होते हुए जाए, गाड़ियों का ट्रिप भी कम लगे और मैक्सिमम कचरे का जो हम लोग उठा कर सकें। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें ये भी है कि स्वच्छता सर्वेक्षण जो अब अगले साल होना है उसकी तैयारी के लिए आप लोगों को कमर कसते हैं। एक तो वैसे ही सफाई व्यवस्था में भी
आप समझिए कि इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी बहुत लंबी दूरी तय करनी है, रैंकिंग कितनी होगी उसके हिसाब से भी और व्यवस्था भी सुधरनी है, दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। नवगछा के मक्खा तखिया मोहल्ले में भावना एक्यूप्रेशर रिसर्च ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर के सामने से एक मोटरसाइकिल की डिक्की से अज्ञात अपराधी ने 1.5 लाख रुपये उड़ा लिए। वहीं घटना को लेकर पीड़ित युवक ने इसकी सूचना तुरंत नवगछा पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। दरअसल चोरी की पूरी वारदात पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस लूटकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है। वहीं पीड़ित युवक की पहचान मुरली गांव निवासी कपिल देव सिंह के पुत्र पिंटू कुमार के रूप में हुई है। पिंटू कुमार ने बताया कि वह झंडापुर गांव स्थित SBI बैंक से 1.5 लाख रुपए की निकासी कर अपनी मां का इलाज कराने के लिए ट्रीटमेंट सेंटर पहुंचा, जहां वो अपनी मोटरसाइकिल को ट्रीटमेंट सेंटर के सामने खड़ी कर अपनी मां को भर्ती कराने के लिए अंदर ले गया। पीड़ित ने कहा कि वह मां को भर्ती करने के बाद पैसे लेकर घर जाने की तैयारी में था, लेकिन जैसे ही सेंटर के बाहर आया तो देखा कि डिक्की खुली थी और उसमें रखे पैसे गायब थे, जिसके बाद उसने मामले की सूचना पुलिस को दी। साथ ही कहा कि सीसीटीवी फुटेज में सफेद और ब्लू रंग की चेक टी शर्ट एवं स्लेटी रंग के जींस पहने युवक ने क्लिनिक के पास से महज 10 सेकंड में ही डिक्की का लॉक तोड़कर पैसे लेकर तेजी से फरार हो गया। हम बीरपुर से SBI से झंडापुर से जो है कि 1.5 लाख रुपया बैंक से निकाल कर आ रहे थे, तो मम्मी की इलाज के लिए आ रहे थे, तो हम वहाँ से डायरेक्ट निकले तो यहाँ डॉक्टर साहब के पास आए। कहाँ पे? ये मौका तक क्या डॉक्टर के कुमार गौतम के यहाँ। तो उसके बाद मम्मी को थोड़ा अंदर लेके गए, हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। तब तो उसी क्रम में मेरे डिक्की से 1.5 लाख रुपये निकाल लिया। किस जगह ये पैसा निकाला? वहीं ये मौका तक क्या डॉक्टर के कुमार गौतम के आगे। कौन गाड़ी था आपका? ग्लैमर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार, नाम मुरली, पिता कपिल देव सिंह, घर मुरली। मुरली जी। माँ जी का नाम? माँ का नाम रुदा देवी, रुदा देवी। पिताजी का नाम? कपिल देव सिंह। बांका पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश के निर्देश अनुसार अमरपुर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने एक टीम का गठन कर डुमरिया उत्तर बगीचा के समीप छापेमारी की, जहां से पुलिस टीम ने देशी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस के साथ कुख्यात अपराधी कृष्ण मोहन कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। शाहपुर थाना क्षेत्र के बगचप्पर गाँव निवासी कृष्ण मोहन कुमार सिंह के खिलाफ अमरपुर थाने में रंगदारी, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के अलावा कई कांडों को लेकर प्राथमिकी दर्ज है। बताया जा रहा है कि कुख्यात अपराधी कृष्ण मोहन सिंह काफी दिनों से फरार चल रहा था और वह बाहर से ही अपराध की घटनाओं को अंजाम देकर क्षेत्र में दहशत का माहौल बना रहा था। वहीं अमरपुर प्रखंड के कुख्यात अपराधी मिथुन कुमार यादव के साथ वर्चस्व को लेकर भी कई बार कृष्ण मोहन की मुठभेड़ हो चुकी है, जबकि फिलहाल मिथुन यादव बांका जेल में बंद है। पुलिस ने बताया कि कृष्ण मोहन सिंह अपने गुर्गों के साथ मिलकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में 3-4 दिनों से चिरैया डुमरिया पथ पर आवाजाही कर रहा था, लेकिन तभी इसकी गुप्त सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए डुमरिया गांव स्थित उत्तर बगीचा से कुख्यात को गिरफ्तार कर लिया गया। छापेमारी में थानाध्यक्ष के साथ प्रशिक्षु दरोगा पवन कुमार, विक्की कुमार, ASI अजय कुमार और शैलेंद्र सिंह समेत कई पुलिस कर्मी शामिल थे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
भागलपुर ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कार्यालय में जगदीशपुर अंचल का शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि अंचल अधिकारी अशोक कुमार मंडल ने किया। इस दौरान चैम्बर के अध्यक्ष रवन कुमार बाजोरिया ने अपने संबोधन में अंचल अधिकारी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आगे भी चैम्बर की ओर से इस तरह का शिविर लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कई दिनों से आमजनों और व्यापारियों द्वारा अंचल शिविर की मांग की गई थी, जिसको देखते हुए शिविर लगाया गया। उपाध्यक्ष शरद सालारपुरिया ने बताया कि शिविर में प्रचंड गर्मी को देखते हुए व्यापारियों की सहूलियत के लिए चैम्बर की ओर से उत्तम व्यवस्था और शीतल जल की व्यवस्था की गई है। वही PRO दीपक कुमार शर्मा एवं ओम प्रकाश कनोड़िया ने पुष्प गुच्छ देकर अंचल अधिकारियों को सम्मानित किया, जबकि मन संचालन CA पुनीत चौधरी और डॉक्टर पंकज टंडन ने किया। मौके पर ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदीप जैन, अनिल खेतान, संजय कुमार जैन, सुमित कुमार जैन समेत कई सदस्य, व्यवसायी और आम लोग मौजूद रहे। भागलपुर सुल्तानगंज के नगर परिषद क्षेत्र के कासिमपुर गांव में जिला प्रशासन के निर्देश पर CO शंभुशरण राय और थानाध्यक्ष लाल बहादुर के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान कासिमपुर गांव में PWD के जमीन पर वर्षों से रह रहे लोगों के 13 घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वहीं CO शंभुशरण राय ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर कासिमपुर गांव के पास PWD की जमीन पर बने घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि अतिक्रमण मुक्त कराने पर ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद CO और थानाध्यक्ष सहित पुलिस बल मौके से जान बचाकर तत्काल भाग खड़े। वहीं ग्रामीणों ने घर के बदले घर देने की मांग करते हुए सड़क जाम कर आगजनी और जमकर प्रदर्शन किया। कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये सब मासूम बच्चा लोग को ले लेके क्या करेंगे। कितने घर को तोड़ा है आज? 20 घर टूटा। कौन लोग तोड़ा है? कौन तोड़ा? पब्लिक तोड़वाया है। आपके रहने के लिए घर नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं। जो तोड़ने के लिए आया था उसको आप कहे कि मेरे रहने के लिए घर नहीं है? बोले है रहने के लिए, कुछ नहीं कहे, बोला कि कुछ है मरोचा जियो, कुछ मतलब नहीं। तोड़ने के लिए पहले मिनिमम बगीचा वाले जो है ना, बगीचा हीरा लाल, उसका नाम क्या क्या है नाम उसका? हीरा लाल भगत आया था तोड़ने के लिए, और 10 मिनट के अंदर में जिसे भी घुसाया प्रशासन के साथ आया, 10 मिनट के अंदर में पूरा तोड़ दिया। सामान निकलने भी टाइम नहीं दिया, आया जिसे भी लगा तोड़ना चालू कर दिया। नोटिस नहीं दिया था? नोटिस हम लोग को हाथ में आया नहीं अभी तक, कोई नोटिस नहीं आया। भागलपुर ललमटिया चौक स्थित डोमासी गली और नाथनगर रेलवे स्टेशन रोड केवीन के समीप बसे 41 महादलित विस्थापित परिवार को बसाने के लिए अंचलाधिकारी द्वारा वास्तविक पर्चा दिया गया। बता दें कि कुछ दिन पूर्व विस्थापित परिवारों की ओर से बसाने की मांग को लेकर धरना दिया गया था, जिसमें जिला प्रशासन और CO से जमीन का वास्तविक पर्चा देकर बसाने की बात कही गई थी। इस दौरान महादलित परिवार की महिलाओं ने कहा कि खुटाहा स्थित जमीन पर उन्हें इलाके के दबंग लोग बसने नहीं देते हैं। वहीं CO के निर्देश पर नाथनगर अंचल के अमीन राजू कुमार और रचना खुटाहा स्थित जमीन पर पहुंचे और 41 सभी परिवार के जमीन को अलग अलग चिन्हित कर डिमार्केशन कर उन्हें बसाने का काम किया। इधर CO स्मिता झा ने बताया कि नाथनगर स्टेशन रोड और ललमटिया डोमासी सड़क किनारे बसे महादलित परिवार के लोगों को नए जगह पर जमीन देकर बसाया गया। भागलपुर सुल्तानगंज नारायणपुर रोड के दुधैला गंगापुर गांव स्थित हनुमान मंदिर प्रांगण में 48 घंटे के राम धुन एवं यज्ञ को लेकर अजगैवीनाथ धाम से कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान अजगैवीनाथ मंदिर की उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर 108 महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर दुधैला गंगापुर हनुमान मंदिर तक की पैदल यात्रा पूरी की, जिसके बाद 48 घंटे की राम धुन की शुरुआत हुई। मौके पर गांव के प्रकाश मंडल, प्रीतम कुमार, श्वेता कुमारी, रवि कुमार और गौतम कुमार समेत संख्या में श्रद्धालु एवं मंदिर के सदस्य मौजूद थे। पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा की गई विवादित टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, जिसको लेकर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं इसको लेकर भागलपुर में भी इसका असर देखने को मिला, जहां शाह मार्केट सहित कई इलाकों में अधिकांश दुकानें बंद रही। हालांकि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को फिलहाल निलंबित कर दिया है। वहीं मामले को लेकर खानका पीठ दमड़िया के सज्जादनशी शाह फकरे आलम हसन ने बताया कि अब तक स्वयं उन्होंने या फिर किसी धर्म गुरु या मुस्लिम समुदाय के किसी संगठन के द्वारा बंदी का आह्वान नहीं किया गया है। हालांकि देश में किसी समुदाय के धर्म गुरु के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना सरासर निंदनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद मुस्लिम समुदाय की आस्था का प्रतीक है और लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। साथ ही कहा कि एक सत्ताधारी दल की सदस्य द्वारा इस तरह की भाषा से आक्रोशित दुकानदारों ने खुद की स्वेच्छा से दुकान बंद किया है और उन सबों को देश के मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर भरोसा है। जहां तक हम लोगों के
नॉलेज में है और हम लोग समझते हैं कि किसी भी तंजीम की तरफ से या किसी बड़ी शख्सियत की तरफ से, संस्था की तरफ से कोई ऐसा कॉल नहीं है। बाद लोगों के लेटर भी आए हैं कि जो एक हवा चल रही है कि जमीयत उलमा ने कहा है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बंद का आह्वान हुआ है, तो उनकी तरफ से लेटर आ गया कि उन्होंने कोई कॉल ऐसी नहीं दी है। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है कि तमाम अहले ईमान मुसलमान और इंसान, हर इंसान उनसे मोहब्बत रखता है, अकीदत रखता है, उनके प्रति उनकी भारी श्रद्धा है। और ईमान वालों को ये हुक्म दिया गया है और रसूल ने भी हुक्म दिया है, अल्लाह ने भी कुरान में फरमाया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से तुमको अपने आप से, अपनी जान से, अपने ख़ानदान वालों से, अपनी तिजारत से सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत मोहम्मद साहिब से करनी है। तो अगर उनकी शान में कोई गुस्ताखी करता है तो इसका रिएक्शन हमने देखा कि पूरी दुनिया से हो रहा है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। भोलानाथ ओवरब्रिज निर्माण को लेकर मापी की प्रक्रिया शुरू, इंजीनियर ने कहा सरकारी जमीन के बाद निजी जमीन का किया जाएगा अधिग्रहण। विश्व रक्तदान दिवस को लेकर डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक, रक्तदान के प्रति जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार अभियान चलाने का दिया निर्देश। नगर आयुक्त ने सफाई कर्मियों के साथ की बैठक, सफाई सर्वेक्षण को लेकर अभी से बेहतर कार्य और व्यवस्था दुरुस्त करने का दिया निर्देश। नवगछा में एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट सेंटर के बाहर से खड़ी बाइक की डिक्की से चोरों ने उड़ाए रुपए, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। और अपराध की घटनाओं को अंजाम देने आए कुख्यात को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।